हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्यू अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमाऊँ यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपसे। ठीक है, तो कुमाऊँ यूनिवर्सिटी का हम यहाँ पे सिलेबस देखने वाले हैं, जिसमें कि हम देखेंगे एमए का सिलेबस। एमए में हम देखेंगे सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, ये एमए का हिंदी का सिलेबस है, जिसमें कि हम सेकंड सेम का सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो बना दिया है, और यहाँ पे ये सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, और अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो ये है हमारा आपका अपडेटेड सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलेबस के साथ साथ आपको जो भी चीज़ें हैं, जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हैं, वो भी कंप्लीट करवा रही हूँ। तो चैनल से जुड़ जाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि हिंदी में परास्नातक, यानी कि जो आपका पीजी है, ठीक है, यानी कि एमए उपाधि के इस पाठ्यक्रम में कुल 25 प्रश्न पत्र हैं। ठीक है, कितने हैं? 25 प्रश्न पत्र आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपके हर सेमेस्टर में आपको 5 प्रश्न पत्र मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि 4 सेमेस्टर होते हैं तो 5 × 20 होगा आपका, लेकिन 25 प्रश्न पत्र यहाँ पे क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि कुछ ऐच्छिक प्रश्न पत्र भी आपको दिए गए हैं, यानी कि आपको आपके थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में कुछ पेपर ऐसे भी मिलेंगे जिनमें से आपको चॉइस का मतलब ऑप्शन मिलेगा, तो उन सबको गिना गया है, इसलिए यहाँ पे 25 दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है आपको पॉइंट ए में कि 15 प्रश्न पत्र जो है वो आपके कोर कोर्स में है। कोर कोर्स का मतलब है अनिवार्य पाठ्यक्रम, यानी कि इसमें आप किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं कर सकते, कोई चुनाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपके प्रथम और द्वितीय शताब्दी, यानी कि पहले और दूसरे सेमेस्टर में 5-5 अनिवार्य प्रश्न पत्र लगे हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा थर्ड सेमेस्टर में 3 और फोर्थ सेमेस्टर में 2 आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र है। ठीक है, बाकी क्या है कि आपको चॉइस मिलेगी, जिसमें कि आपको मतलब चुनना होगा, खुद से आप चुनाव कर सकते हैं कि आपको कौन से लेने हैं। कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको चुनना है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये सेमेस्टर दिया है आपको, ये कोर कोर्स दिया है कि आपको कौन से 15 में से 15 मतलब कौन से 15 सब्जेक्ट रहेंगे आप पे, मतलब 15 बुक्स रहेंगी। और ये इलेक्टेटिव कोर्स दिया है और ये आपका ओपन इलेक्टेटिव कोर्स दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको 6 दिए हैं, 6 में से 4 पेपर चूज करने हैं, और यहाँ पे 4 दिए हैं, इनमें से 2 पेपर आपको चूज करने हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या है, ये कुछ है। ठीक है, ये देखिए ये कुछ है जो कि आपको दिख रहा होगा पूरा सारणी। तो यहाँ पे देखिए आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर का है कि आपके पास ये सब पेपर रहे होंगे। ठीक है, आपको अब तो आपको पता ही होगा कि आपके पास ये सब्जेक्ट थे। ठीक है, अब आपका है सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, ये वाला तो सेकंड सेमेस्टर में आपका है भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, आधुनिक हिंदी काव्य छायावादोत्तर, हिंदी कथा एवं नाट्य साहित्य और निबंध एवं स्मारक साहित्य। ये 5 पेपर आपके लगे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह आपका थर्ड सेमेस्टर है, जिसमें ये 3 तो कंपलसरी है, इनमें से 1 आपको चूज करना है। ठीक है, सॉरी, इनमें से 2 आपको चूज करने हैं। ठीक है, और इनमें से 1 आपको चूज करना है। ठीक है, इस तरह से 3, 2, 5, अच्छा सॉरी, इसमें से भी 1 चूज करना है और इसमें से भी 1 चूज करना है। अच्छा, यहाँ पे आपके 2 रहेंगे और इसमें से आपको 2 के बाद 2 यहाँ से चूज करने हैं और 1 यहाँ से चूज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 5 पेपर यहाँ भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप, अच्छा ये तो छोड़ दीजिए, ये आपका नहीं है थर्ड और फोर्थ का, ये मैं आपको अगले पेपर में समझाऊंगी, अगली वीडियो में, जब मैं थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की आपकी वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, सिलेबस की अभी हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इस सिलेबस पे रहेगा। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस। तो यहाँ पे देखिए आपको ये 5 पेपर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब इन 5ों के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस। ठीक है, तो शिक्षार्थी को द्वितीय शताब्दी में 5 अनिवार्य पाठ्यक्रम या प्रश्न पत्र कोर कोर्स का अध्ययन करना है। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हमें 5 पेपर पढ़ने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने 5 पेपर पढ़ लिए थे, तो इसमें यहाँ पे इसका नाम जो है वो 6 पेपर के नाम से है। ठीक है, छठ प्रश्न पत्र। ठीक है, अब यहाँ पे श्रेयांक, यानी कि आपका जो अब क्रेडिट होने लगे, क्रेडिट 4 क्रेडिट करके ऐसे कुछ है। ठीक है, पूर्णांक आपका 100। पेपर का नाम है आपका भारतीय काव्य शास्त्र। ठीक है,
इसमें देखिए आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले काव्य शास्त्र पढ़ेंगे। काव्य शास्त्र में परिभाषा, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य भेद, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। सेकंड है काव्य संप्रदाय, इसमें गस संप्रदाय, गस का स्वरूप, गस निष्पत्ति, साधागिकरण, अलंकार संप्रदाय, गीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय आएंगे। फिर आता है थर्ड हिंदी आलोचना, इसमें विकास, हिंदी आलोचक और उनके आलोचना सिद्धांत हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से आलोचक पढ़ने हैं हमें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये चार आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह। यहाँ पे आपका जो सिलेबस है ये अपडेट होने में थोड़ा सा आपका चेंज हुआ है। यहाँ पे आपका क्या चेंज हुआ है कि यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र भी थे, ठीक है, याद रखिएगा डॉक्टर नगेंद्र भी थे, ठीक है, लेकिन उनका सिलेबस, उनका आपके सिलेबस से हटा दिया है। जबकि ये जो है ये SSG यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, बट खैर आपसे हट गया है तो आप इसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र वाले आलोचना को, ये आपके यहाँ से कटा है। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ कि अपडेटेड भी हुआ है सिलेबस, 2020 का जो सिलेबस था उससे मुकाबले अपडेटेड हुआ है, तो सिलेबस में थोड़े से चेंजेस फिर से आए हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी पुराना सिलेबस देख रहा है तो वो दोबारा से अपडेटेड रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंक विभाजन में मैं आपको दिखा देती हूँ, लिखित पेपर जो होगा आपका 75 मार्क्स का होगा और आपका असाइनमेंट जो होंगे वो 25 मार्क्स के होंगे, इस तरह से आपका पूरा पेपर 100 मार्क्स का बनेगा। ठीक है, फिर आता है आपका 7th पेपर जिसका नाम है पाश्चात्य काव्यशास्त्र। ठीक है, ये भी 100 मार्क्स का रहेगा आपका। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में संक्षिप्त परिचय, प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, विवेचन सिद्धांत, त्यागी सिद्धांत, लॉन्जाइस का उद्दंत, उद्दंत की अवधारणा, ठीक है, मैथ्यू अर्नल्ड का कला और नैतिकता का सिद्धांत, टोचे का अभिव्यंजनावाद, आई ए रिचर्ड का काव्य मूल्य, टी एस इलियट का कला की निष्वक्तिति का सिद्धांत और वेट्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत और कॉलगेज का कल्पना सिद्धांत। ठीक है, उसके अलावा कुछ वाद भी आप पढ़ेंगे, वादों में मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद आप पढ़ेंगे। इसका अंक विभाजन भी सेम है, लिखित परीक्षा आपकी 75 मार्क्स की है और आंतरिक मूल्यांकन यानी कि आपका जो असाइनमेंट्स वगैरह होगा वो 25 मार्क्स का और कुल योग यानी कि आपका जो टोटल पेपर हो जाएगा वो 100 मार्क्स का हो जाएगा। फिर देखिए आता है आपका 8th पेपर, 8th पेपर का नाम है आधुनिक हिंदी काव्य जो कि छायावाद उत्तर काल का है। ठीक है, ये भी 100 मार्क्स का है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले है रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, उसके बाद सेकंड है वैद्यनाथ मिश्र की नागार्जुन, यानी कि वैद्यनाथ मिश्र जो कि नागार्जुन है जिनका नाम उपनाम, तो नागार्जुन की प्रतिनिधि कविताएं, इस नाम से एक किताब है, पतली सी किताब है। ठीक है, तो उसमें से आपको पढ़ना है, उसमें कुछ कविताएं लगी हुई हैं, वो कविताएं आपको पढ़नी है। देखिए उन कविताओं का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ये कविताओं का नाम है सब। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए इन्हें, अगर आपके पास बुक हो तो उसमें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए समयराग, इसके संपादक हैं डॉक्टर मधुबाला नेहरू। ठीक है, समयराग में आपको क्या क्या पढ़ना है, व्याख्याएं आएगी इसमें से, अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ और मतलब केदारनाथ सिंह और लीलाधर जगुड़ी की कविताएं, ये आपको देखनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंक विभाजन सेम है, लिखित परीक्षा 75 मार्क्स की है और असाइनमेंट 25 मार्क्स के और टोटल हो गया 100 मार्क्स। ठीक है, फिर हम आते हैं नवम प्रश्न पत्र पे, इसका नाम है हिंदी कथा एवं नाट्य साहित्य, ये भी 100 मार्क्स का आएगा। सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है गोदान, प्रेमचंद का नॉवल है ये। ठीक है, क्या है ये, नॉवल है यानी कि उपन्यास है। ठीक है, ये उपन्यास है, इस उपन्यास से आपको जो पढ़ना है उसमें मैं बताती हूँ, आपको पढ़ना है क्वेश्चन आंसर इसके पढ़ने हैं और इसमें मतलब गोदान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछने पढ़ने हैं और प्रेमचंद से संबंधित भी आपको प्रश्न पढ़ने हैं और इसमें भी व्याख्या आएगी, तो गोदान से संबंधित भी व्याख्या आती है। तो अगर आप नॉवल पढ़ सके तो अच्छी बात है और अगर नॉवल ना भी पढ़ सके तो इसकी सम भी अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए सेकंड है हिंदी कहानी के 9 कदम, ये संपादक बटोही की है।
और इसके बाद है स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद की, लहरों के राज हंस मोहन राकेश की और एकांकी सुमन, इसके संपादक हैं डॉक्टर कांवली अशोक। ठीक है, इसका जो अंक विभाजन है वो लिखित परीक्षा 75 मार्क्स और आंतरिक मूल्यांकन 25 मार्क्स, और इस तरह से आपको कुल योग 100 मार्क्स का हो जाता है। आगे देखें, आता है आपका 10वां प्रश्न पत्र यानी कि आखिरी प्रश्न पत्र। ठीक है, इसका नाम है निबंध एवं स्मारक साहित्य, ये भी 100 मार्क्स का है। इसमें 3 बुक्स आपकी कौन कौन सी है, नीरजा टंडन की हिंदी निबंध मंजूषा, जिसमें कि निबंध लगे हुए हैं। देखिए व्याख्या के लिए निर्धारित निबंध यहाँ निबंध दिए हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद महादेवी वर्मा की पथ के साथ ही, और केशव दत्त ग्वालिया जगत सिंह विष्ट की स्मारक साहित्य संग्रह है। ठीक है, तो ये आपको पढ़नी है। अब यहाँ पे ये भी सेम रहेगा पैटर्न, लिखित परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन इन दोनों का मतलब असाइनमेंट 25 मार्क्स के हैं और लिखित परीक्षा आपकी 75 मार्क्स की रहने वाली है, और टोटल आपका 100 में से रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है और एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिस किसी के इसमें करवा रही हूँ, तो उसके जो PDFs हैं और जो भी मैं वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी, वीडियो के लिंक हैं, वो आपको ईजिली मिल पाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको आपका जो पूरा सिलेबस है उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो मिलेंगी, और उसके अलावा जो भी मैं बुक्स पढ़ाऊंगी उसकी भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।